सोचा कि क्यों ना कुछ रशीद स्वीट चलते, कुछ खाने के लिए। बड़ा फेमस है यहाँ पे इस्लामाबाद में ना, सेक्टर ई में है इनकी लोकेशन। तो अभी हम लोग ये देखेंगे पहुंचने वाले हैं, वो सामने लाइट्स कितनी ऑन है ना, ये रशीद स्वीट्स है। तो ये रहा जी रशीद स्वीट्स एंड बेकर्स। तो हम लोग आए यहाँ पे कुछ खाने के लिए। इनकी ना वो जो रस मलाई है ना, बहुत ही कमाल की होती है। दही भल्ले भी बहुत अच्छे होते हैं, बट हम लोग यहाँ पे आए थे सिर्फ ना जो रस मलाई थी ना वो खाने। तो वो साथ में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसके ऑपोजिट ना जो बना हुआ है क्लब एवेन्यू, क्या है उसका, शायद डीएचए का ही दिया हुआ है उन्होंने ना, जकरांडा क्लब। तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ना जब भी वीडियो बना रही हूँ ना, यहाँ पे वो जो सामने जो वेटर्स बैठे हुए ना, जो लड़के काम कर रहे हैं, उनका ध्यान बिल्कुल इसी मेरे कैमरे की तरफ ही था। तो यहाँ पे देखिए, फिर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ थोड़ा सा। तो इनकी ना रसमलाई बहुत अच्छी होती है, इतनी वो टेस्टी होती है, प्राइस भी ठीक है। हम लोगों ने ना दो ली थी, दो की उन्होंने 280 प्राइस उन्होंने बताई थी हमें। तो दो रसमलाई हम लोगों ने खाई, इतना कोई यम था ना उसका टेस्ट, के मैं क्या बता, बहुत अच्छा टेस्ट था। आप लोग प्लीज यहाँ पे विजिट करें लाजमी, ठीक है। तो और कैसी चल रही है आप सबकी लाइफ, मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। व्लॉगिंग करना इतना आसान काम नहीं है, बहुत टफ काम है ये वाला भी। साथ में हाउसवाइफ के लिए ज्यादा मुश्किल भी होता है, घर को लेके भी चलना होता है, और साथ में अगर आपने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो इसको भी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे जैसे ये पार्ट्स वगैरह बनते रहते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। ये देखिए, मैं थोड़ा सा बैक से आपको जो करंडा क्लब का ये देखिए व्यू दिखा रही हूँ। वाह, जबरदस्त लोकेशन थी ये। देखिए, ये बोर्ड पढ़ लिया आपने, लिखा हुआ है जो करंडा फैमिली क्लब। अभी चलते हैं जी यहाँ पे पानी लेने के लिए। ये आगे हैं जी हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, ठीक है। यहाँ से हम लेंगे पानी, पानी ले के फिर हम चलेंगे वापस। तो ये है जी मॉर्निंग का, नेक्स्ट मॉर्निंग का। बेसिक बात ये मैं आप लोगों को बताऊं कि ये ना दो या 3 दिन का मिक्स व्लॉग है। तो आप लोग ना देख लीजिएगा इसको, क्योंकि कुछ ज्यादा करने के लिए भी नहीं होता, और फिर इन दोनों को मिक्स करके फिर व्लॉग अपलोड करना पड़ता है। तो ये मॉर्निंग का थोड़ा सा व्यू मैंने नाश्ते का थोड़ा सा आप लोगों को दे दिया था। और उसके बाद हम लोगों ने जाना था जी डॉक्टर विजिट करना था, हम लोगों ने जाना था गायनेकोलॉजिस्ट के पास। तो फिर हम लोग वहां पे गए, तो अभी डॉक्टर आई नहीं थी, तो मैं बस हॉस्पिटल का आप लोगों को विजिट करवा रही थी। कोई भी नहीं था, हम ही थे, हमारी वजह से वो फिर आई, और कोई पेशेंट नहीं था उनके पास अभी ना, तो हमारी वजह से वो आई है। तो जैसे ही वो आई है ना, तो मैंने फिर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हर चीज यहाँ मौजूद है। डॉक्टर हिना तबस्सुम गायनेकोलॉजिस्ट, बहुत अच्छी डॉक्टर है, जिसकी बात क्या ही करें। उसके बाद जी हम लोग जैसे ही हॉस्पिटल से वापस आए, तो मैंने रास्ते में देख ली एक मंडी, फ्रूट मंडी बेसिक जो होती है ना। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, ये सिम वाला था, हॉर्न डी जा रहा था, फ्री सिम लो, इतना डाटा मिलेगा। पता नहीं, मुझे कमेंट में बताना कि ये ठीक है या नहीं ठीक, भी ऐसे फ्री वाली सिम जो मिलती है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। हस्बैंड मेरे गए थे जी कुछ फ्रूट्स लेने के लिए। तो ये देखिए, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, बहुत जूम करने के बाद मैं यहाँ तक पहुंची, वो एप्पल्स वगैरह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड मेरे आ गए थे, माशाल्लाह से सूरज ग्रूब हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग आ गए हैं जी घर, कुछ एप्पल्स वगैरह लिए हम लोगों ने, ग्रेप्स लिए थे, और जो भी सब्जी थोड़ी बहुत लेनी थी वो। तो लेट काफी हो गया था, तो सोचा अब खाने में क्या बनाया, तो जल्दी से चिकन पुलाव बना लिया मैंने, क्योंकि और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तो साथ में ये जो भी सैलेड और रायता वगैरह था, मुझे रायता ऐसा पसंद है, प्लीज मुझे कमेंट ना कीजिएगा कैसे कौन करता है, मुझे ऐसे अच्छा लगता है रायता, राइस के साथ ना मजा आता है।
ये देखिए यहाँ पे राइस, और थोड़ा सा मैं बाइक से आप लोगों को शाम का व्यू दे रही थी। कितना अच्छा लग रहा है ना ऐसा मौसम, और ऐसा व्यू बहुत अच्छा आता है ऐसा। तो ये मैं डीएचए का आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत प्यारा वेदर था। और यहाँ पे जी मैं थोड़ा सा कलर ऐड कर रही हूँ, फूड कलर, तो इससे थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, लुक भी चेंज हो जाता है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे चावल जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो अभी मैंने इनको उतार लिया है जी दम से। तो ये थी जी मेरी आज की जो कुकिंग की रेसिपी थी, या जो भी था इसको भरी। अगर आपको ये फुल रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है? तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बता दूँ। और ये हो गया जी नेक्स्ट मॉर्निंग में चल रहा है जी डाइट वाला ब्रेकफास्ट। अभी इसके अंदर मुझे नहीं पता कि ऐसा ऑमलेट खा सकते हैं डाइट में या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको फिर स्किप कर दूँ, उसको ऐड कर लूँ। यहाँ पे ऑमलेट बन रहा है, और अभी देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। सब स्पाइसेस इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं, तो अभी इसके अंदर थोड़ा सा आप लोग ना कच्चा दूध भी इसके अंदर ऐड किया करो, अच्छा बनता है उससे ऑमलेट आप लोग जो भी बनाएंगे। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स करनी है। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है जी थोड़ा सा दूध। दूध के साथ ना अंडे की शेप लुक अच्छी आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है ना इसका। फिर तो ये देखिए जी अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। तो जब तक ये अंडा मैं मिक्स कर रही हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो नीचे रेड वाला निशान है ना सब्सक्राइब वाला उसको ब्लैक कर दे, साथ में जो घंटी है उसको तो लाजमी प्रेस करना है, ताकि मेरी डेली जो वीडियोस उस रेसिपी की है या व्लॉग्स है वो आप लोग मिस ना कर पाओ। तो ऑल पे क्लिक करना है, ठीक है? बेल आइकन को आपने ऑल पे कर देना है। तो यहाँ पे था जी मॉर्निंग में पी रही हूँ जी नीम गर्म पानी। उसके अंदर मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप ना लेमन स्क्वीज करके ना इसको पीना है आपने, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी लिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जी अभी लेमन, लेमन डाल के तो इसको पियेंगे जी अच्छे से मिक्स करके। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया जो ऑयल के अंदर इसको अपना, जो मैंने ऑमलेट तैयार करने के लिए जो भी सब तैयारी की थी ना, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये जब तक बन रहा है आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट लाजमी करना है। और नाश्ते में क्या क्या प्रेफर करते हैं डाइट में आप लोग भी मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने तो अभी यही स्टार्ट की है। तो इसके साथ मैं लूंगी जी ब्राउन ब्रेड। मुझे ब्राउन ब्रेड बेसिकली पसंद तो नहीं है, लेकिन वो डाइट में कहते हैं कि ब्राउन ब्रेड अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चाय, वो आपको नीचे नजर आ रही होगी कि चाय एक दफा गिर गई थी नीचे। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ जी मैं चपाती, ये देखिए जी, ठीक है? और अपने लिए मैंने ये ब्राउन ब्रेड थोड़े से ना सेक लिए थे, एक फूल लिया था, एक ये ऊपर जो होता है ना, तो ये मुझे अच्छा लगता है, तो ये मैंने ले लिया साथ। तो अभी जी ये नाश्ता जो है मेरा रेडी हो रहा है, हस्बैंड का मैंने कर लिया है, जो भी उन्होंने खाना था चपाती वगैरह सूखी रोटी बेसिकली वो भी खाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी मेरा भी बिल्कुल रेडी हो गया। कुछ ऑयल नहीं मैंने लगाया, कुछ घी देसी घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। तो ये था हमारा फाइनल लुक। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।